हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या स्टडी करना है हमें इसमें। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन योर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, कि सपोज आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया और आपसे कहेगा पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, या पी बाई क्यू फॉर्म दे दिया, आपसे कहेगा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ये सब काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ मटेरियल स्टडी करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। यहाँ डेसिमल नंबर की जगह पे डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकती थी, राइट नाउ। तो इसमें हम बेसिकली 3 केस स्टडी करेंगे, राइट। फर्स्ट 2 केस आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, आइए देखते हैं केस फर्स्ट क्या कह रहा है। व्हेन नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए 12.65 एंड -11.267। ठीक है, ये कैसे नंबर्स हैं, दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आएगी कि मुझे कैसे पता दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वी हैव जस्ट एज्यूम्ड कि हमें वैसे ही नंबर लेने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग नेचर का हो। ठीक है, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सबसे ईजी है। सिंपली आपको क्या करना है, जब तक आप करते आए हैं पॉइंट हटाएंगे और डिनोमिनेटर में पॉइंट की बात जितनी डिजिट्स होती है 1 लिख के उतनी 0 हम उसके आगे एड करते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है 12.65, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12.65। पॉइंट आप यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2। तो नीचे क्या आएगा, पहले तो 1 लिखना कंपलसरी होता है, उसके बाद जितने डिजिट पॉइंट के बाद है उतनी 0। ठीक है, तो बताओ ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है, नहीं? ऑब्वियसली यस। आप चाहें तो इसको फर्दर 5 की टेबल से कट कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है तो इसे 5 की टेबल से कट कर दीजिए। लेट्स से क्या आएगा, नीचे तो आएगा 5 टू द 10, 2 विल बी रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 1 विल बी रिमाइंडर, 5 3 जा 50। तो 253/20 इज अ पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस मैंने एक माइनस नंबर ले लिया है, इसका भी सेम होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11.267 और पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3। तो विल राइट 1 और 3 टाइम 0। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 11.267/1000। ठीक है, दिस इज योर पी बाई क्यू फॉर्म, राइट। नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 2। व्हेन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग प्योरली रिकरिंग नेचर। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है, राइट। मैंने एक नया वर्ड और यूज किया है प्योरली। प्योरली का मेरा मतलब क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम जब कोई नंबर लिखते हैं, लेट्स से मैंने ये लिखा, ठीक है, ये यही वाला एग्जांपल मैंने कॉपी किया, ठीक है, और डैश 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 डैश, इसका मतलब क्या है आप देख पाएंगे, पॉइंट के जस्ट बाद 4 3 4 3 4 3 4 3 रिपीट हो रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्योर, इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर, राइट। और एक सेकेंड केस भी होता है जिसमें क्या होता है, लेट्स से मैंने लिखा 21.43333। आप देख पा रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो पॉइंट के जस्ट बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो गया था, भले ही 2 डिजिट रिपीट हो रही थी पर पॉइंट के जस्ट बाद हो रहा था काम। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इसको फर्दर लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 21.43 पे बाद, क्योंकि 43 रिपीट हो रहा है, और यहाँ अगर मुझे लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, 21.4 नाउ ओनली बार ऑन द 3, क्योंकि 4 तो एक ही बार है, तो एज इट इज रखोगे और 3 बार बार रिपीट हो रहा है 3 के ऊपर बार, राइट। सो इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड प्योर। पॉइंट के जस्ट बाद अगर रिपीटेशन होता है तो हम उसे प्योर डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और पॉइंट के जस्ट बाद अगर नहीं हो रहा है रिपीटेशन डायरेक्टली तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड। ठीक है, प्योरली नेचर, दिस इज मिक्स्ड नेचर, राइट। तो थर्ड केस बेसिकली आपका मिक्स्ड नेचर भी वेस है जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ हम क्या स्टडी कर रहे थे, दिस नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग प्योरली रिकरिंग नेचर। ठीक है, सो मैंने एग्जांपल लिए 2 एग्जांपल, 1 प्लस का नंबर है, दूसरा माइनस का नंबर है, इसकी बात करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12.14 के ऊपर बार, देखिए 14 14 14 रिपीट हो रहा है, इस डैश 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 का मतलब क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो 12.14 का बार। नाउ इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ध्यान से समझना इस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस गिवन डिजिट को
x के इक्वल अज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू 12.14 पे बार, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 1 के बाद 2 जीरो आनी चाहिए। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होती तो पॉइंट के बाद 3 जीरो से हम मल्टीप्लाई करते, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई 100 विद बोथ साइड, और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स रिपीट हो रही है। नाउ 100x विल बी इक्वल टू 12.14 पे बार मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई होगा कैसे, देखिए 14 का बार कुछ भी नहीं है, 14 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। भाई ऐसे तो करते हैं, पॉइंट हटाओगे नीचे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होती है वो आ जाती है, बट यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो हम कितने जीरो लगाएंगे, तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या मेथड यूज करते हैं कि हमें पॉइंट पॉइंट शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे, कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दो बार जीरो है ना, तो पॉइंट को आप राइट साइड में दो बार शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार शिफ्ट करोगे तो 1 के बाद आएगा और दूसरी बार शिफ्ट करोगे तो 4 के बाद आएगा। तो यहाँ आ गया मेरा पॉइंट, देखिए क्या बनेगा ये 12.14 पॉइंट, जब मैंने शिफ्टिंग की तो मेरे पास 12.14 पॉइंट आया, राइट। अब बात आएगी कि इस पॉइंट के बाद क्या आएगा, भाई 14 यही तो रिपीट हो रहा था, तो 14 को मैंने पीछे ले लिया, बाकी सारे क्या बच जाएंगे, 14 तो गैस को मैं ऐसे लिख दूं 14 का बार, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी, 100x इज इक्वल टू 12.14 पे बार, ठीक है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 2 - 1 करना है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको पी बाय क्यू फॉर्म देगा। देखिए करके देखते हैं, सिंपली 2 - 1, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, देखिए क्या मिलेगा, 100x - x क्या देगा, 100x - x will give you 99x is equal to 12.14 bar minus 12.14 bar। देखिए सर इसको मैं आपको यहां सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे माइनस होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें 12.14 के बार में से क्या माइनस करना है, 12.14 का बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 12.14, तो ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, ऐसे लिखा जाएगा, माइनस करेंगे, देखो 14 बार में से 14 बार जाएगा तो 0, 4 - 2 2, 1 - 1 0, देन 2 देन 1, क्या आया 1202.0, तो पॉइंट के बाद 0 डजंट मेक सेंस, तो वी विल टेक दिस इंटीजर पार्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 1202, तो 99x इज इक्वल टू 1202। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1202/99, क्या ये मेरा p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली यस, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 12.02/99, देखिए p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं, इन दिस वे वी रिप्रेजेंट फॉर द सेकेंड केस। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव टेकन, सो सिंपल लगे, पॉइंट के बाद देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -21.43 पे बार, क्योंकि 43 रिपीट हो रहा है। नाउ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2, तो हम क्या करेंगे 100 से फिर से मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं इसमें हम 3 ले लेते हैं, 4 3 4 4 3 4, ठीक है। आप देखेंगे 4 3 4 4 3 4 रिपीट हो रहा है, सो 4 3 4 पे कंप्लीट पे बार, तो ये x के इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 3, तो किससे मल्टीप्लाई कराऊं इस इक्वेशन को, 1000 से, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई 1000 विद बोथ साइड, 1000x - 21.434 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। नाउ देखिए अगेन क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 21 पॉइंट, पॉइंट शिफ्ट होगा कितने टाइम, 1 2 3 टाइम इन राइट डायरेक्शन,
तो एक बार यहाँ आएगा, सेकेंड टाइम यहाँ आएगा, थर्ड टाइम यहाँ आएगा, क्या मिला 21 पॉइंट हट जाएगा 21 4 3 4 और पॉइंट यहाँ आ गया। अब पॉइंट के बाद फिर से 4 3 4 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 4 3 4 पे बार, राइट। तो ये मुझे मिली 1000 x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन मुझे क्या करना है, 2 माइनस 1 करते हैं, क्या आएगा 1000 x माइनस x, ट्रिपल लाइन x इज इक्वल टू 2 1 4 3 4 0.434 पे बार माइनस दिस वन। इसको भी हम सेपरेटली करके देख लेते हैं, लेट्स सी, यहां कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 2 1 4 3 4 0.434 पे बार, और ये क्या है 21.434 माइनस में 21.434 भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे तो माइनस करते हैं, और एक बार के लिए मैं माइनस साइन को भी हटा देती हूँ। देखिए दोनों नंबर, ये नंबर में नेगेटिव में था तो ये भी माइनस में क्वेश्चन आएगी, और ये वाला भी। एक बार के लिए हम नेगेटिव को कॉमन निकाल लेते हैं जब माइनस कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 0.3 3 - 2 1 4 1 2 2 1 4 1 3 2 1 4 1 3, बट विद माइनस है, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया था पहले ही। नाउ बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 4 1 3 अपॉन ट्रिपल नाइन, तो क्या पी बाई क्यू की फॉर्म आ रही है, यस। तो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ प्योरली नॉन डिटरमिनेटिंग एंड रिकरिंग नेचर। नाउ विल डिस्कस थर्ड केस, हियर्स योर लास्ट केस, केस नंबर 3, व्हेन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड मिक्स रिकरिंग नेचर। बताया था मैंने आपको थर्ड केस हम मिक्स वाला स्टडी करेंगे, राइट। तो टू एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल 1.311111-, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो कैसे लिखूंगी, 1.3 और 1 के ऊपर बार, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना इस नंबर को, क्योंकि 1 ही केवल रिपीट हो रहा है, तो 1 पे ओनली बार और 3 एज इट इज। नाउ देखिए प्योर में क्या हो रहा था, पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन हो रहा था डिजिट्स का, बट यहां ऐसा नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 3 और उसके बाद वाली डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मिक्स्ड बोलते हैं, इस फॉर्मेट को, जो ये फॉर्मेट होता है उसे मिक्स्ड बोला जाता है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला काम वही होगा कि हमें मिक्स्ड को प्योर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद जैसा हमने केस 2 में सॉल्व किया था एज इट इज इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू प्योर, चलिए बताते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट, आई राइट कन्वर्ट मिक्स्ड इंटू प्योरली फॉर्म, ठीक है, मिक्स इंटू प्योरली नेचर, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखिए बेटा पॉइंट के बाद आप देख पाएंगे यहां पे कितने डिजिट एक्स्ट्रा है, 1, क्योंकि 3 के बाद तो 1 रिपीट होता चला जा रहा है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से दोनों साइड। पहले तो मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1.31 का बार, फिर से सुनिए, पॉइंट के बाद जितने डिजिट एक्स्ट्रा होती है, मतलब मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए था प्योर बनाने के लिए, 3 के बाद, भाई 3 के बाद 1 सीधा रिपीट हो रहा है बार बार, तो मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ, ठीक है। तो 3 के बाद पॉइंट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से ही क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा है, राइट। तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 10, तो यू विल गेट x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, और इधर करोगे तो 1.31 पे बार मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अभी मैंने मेथड बताया था कि पॉइंट जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। नाउ यू विल गेट 1 3, और पॉइंट कहां आ गया, 3 के बाद, और 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आप मुझे बताइए 10x इज इक्वल टू 13.1 का बार, क्या ये एक प्योर फॉर्म है या नहीं, दिस इज प्योरली फॉर्म, राइट। तो यही हमारा काम था, तो हमने प्योर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया 13.1 पे बार। तो नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन 1, अब तक जो x इज इक्वल टू समथिंग हो रही थी, अब क्या होगी इक्वेशन 1, 10x इज इक्वल टू 13.1 का बार। नाउ सेम जैसा आपने केस 2 में किया था कि हम क्या देख रहे थे कि पॉइंट के बाद
कितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी ही वन के आगे जीरो लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते थे, तो पॉइंट के बाद कितना रिपीट हो रहा है वन, तो हम क्या कहेंगे टेन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टेन, तो यू विल गेट दिस विल बी टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन, तो यू विल गेट हंड्रेड एक्स, नाउ दिस विल बी 13.1 बार मल्टीप्लाई बाय टेन, राइट, सो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा राइट साइड में शिफ्ट होगा वन डिजिट के बाद, तो यू विल गेट 31.1 पे बार, सबट्रैक्शन मैंने आपको पहले समझा दिया था कैसे करते हैं इसका, नाउ देखिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, अब मुझे अगेन वही काम करना है 2 - 1, तो लेट्स डू इट 2 - 1 100x - 10x सो इट विल गिव यू 90x इज इक्वल टू 131.1 पे बार माइनस 13.1 पे बार, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहां देख लेते, देखिए 131.1 पे बार 13.1 का बार माइनस करो, वन बार जीरो जाएगा पॉइंट एज इट इज, 11 - 3 8 2 - 1 1 एंड देन फर्दर 1, तो क्या मिला मुझे 118.0, तो पॉइंट के बाद जीरो तो लेना ही नहीं है, तो क्या रिजल्ट मिला 118, राइट, तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई 118/90, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन मैंने यहां लिया है, देखिए x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 1 3 1 3 1 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 1 3 के ऊपर बार, दिस टाइम क्या ये मिक्स्ड है या प्योर, अगेन मिक्स्ड है क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये एक्स्ट्रा है 4 और उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो इस 4 को मुझे पीछे लेके आना है, पीछे लाने के लिए मैं क्या करूंगी इस पूरे को 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स डू 10x इज इक्वल टू 2 4.13 बार, यही आएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, अब हम क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है 2, तो नाउ दिस टाइम विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो लेट्स डू इट 1000x 100 विल मल्टीप्लाई बाय 10x 1000x और 100 विल मल्टीप्लाई बाय 24.13 बार मल्टीप्लाई बाय 100, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट आगे शिफ्ट होगा दो डिजिट क्यों, क्योंकि दो बार जीरो है, तो पॉइंट पहले यहां जाएगा उसके बाद यहां, तो क्या मिलेगा 24.13 का बार, ठीक है, नाउ दिस इज योर 1000x, सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर अगेन 2 - 1 2 - 1, सो 1000x - 10x, तो व्हाट विल यू गेट, सॉरी 0 अगेन 990 x इज इक्वल टू and this time you will get 2413.13 bar minus 24.13 bar, ठीक है, माइनस करके देखेंगे, यहां दिखा देती हूं मैं आपको 2413.13 bar minus 24.13 bar, क्या मिलेगा 0, 13 - 4 9 10 - 2 8 3, so you will get 2389 is equal to 1990x, तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई 2389 divided by 1990, तो क्या ये p by q की फॉर्म है, yes, तो in this way we represent all three cases in the p by q form, ठीक है, तो now this is over, next we'll discuss exercise 1.3.